हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों, आप सभी बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड जो काउंसलिंग है उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि आपकी जो काउंसलिंग है दोस्तों, फर्स्ट वो ख़त्म हो चुकी है, अब दूसरी काउंसलिंग का आपका जो इंतज़ार है वो हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो कब तक होगी और कब तक नहीं होगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए, छोटी सी छोटी अपडेट आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे सभी तक। आपको यहाँ से सटीक जानकारी दी जाती है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सही दी जाती है। तो चलो दोस्तों, पहले तो हम चेक कर लेते हैं जो राजस्थान RUHS यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है उसको चेक कर लेते हैं, वहाँ पर अगर कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी तक तो यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। देख सकते हो आप, न्यू नोटिफिकेशन काउंसलिंग से रिलेटेड कोई नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप, और यहाँ पर जाके देख लेते हैं हम अगर एक बार और आया हो तो। लेकिन आपकी जो काउंसलिंग है उसके बारे में बताएंगे कब तक होगी वो। देख सकते हो आप, अभी कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया। यहाँ पर देख सकते हो आप, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर और वही नोटिफिकेशन है जो पहले था, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। और इधर देख सकते हो आप, जो नीचे दे रखा है इसमें दे रखा है दोस्तों लेटेस्ट अपडेट में क्या दे रखा है, रिपोर्टिंग की जो डेट थी आपकी वो 13 तारीख थी, है ना। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो सेकंड राउंड है वो कब तक होगा आखिर। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज आपकी जो तारीख है वो हो चुकी है 17 तारीख हो चुकी है। आज हो चुकी है आपकी 17 अप्रैल, ठीक है ना। 17 अप्रैल हो चुकी है आज आपकी 17 अप्रैल। और दोस्तों, कल 18 अप्रैल है आपकी। तो कल तक आपका है जो सीट मैट्रिक्स आएगा, आपको भी पता होगा सभी को, कल 18 अप्रैल तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगा आपकी। सीट मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है सीट मैट्रिक्स। देखो मैं बता दूंगा आपको क्या होता है, सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें सीट में दे रखी होगी कि आपको ऐसे सपोज करो, ऐसे में इसमें 100 गवर्नमेंट सीट हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, जैसे 80 सीटें फिल हो गई तो 20 खाली बची हैं, तो उसमें दे रखा होगा वैकेंट सीट। सीट मैट्रिक्स में दे रखा होगा वैकेंट सीट, यानी खाली सीटें कितनी है SMS कॉलेज में। SMS कॉलेज के आगे पहले तो 100 दे रखा होगा जो फुल सीट कितनी है 100, फिर दे रखा होगा वैकेंट सीट, तो उसमें दे रखा होगा 20 वैकेंट, यानी 20 सीट खाली है। तो आपको इस प्रकार से आएगा, तो वो कल तक आ जाएगा 18 तारीख तक, ठीक है ना। वैकेंट जो आपकी वैकेंट सीट है वो कल आ जाएगी, सीट मैट्रिक्स कल आ जाएगी वैकेंट सीट की। और आपका जो है सेकंड राउंड है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 19 और 20 तारीख से, यानी 20 तारीख से आपका जो स्टार्ट है वो हो जाएगा, ठीक है ना। 20 तारीख से आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड राउंड 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 100% 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और टेंशन ना लो, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, यानी फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिली, कहने का मतलब ये है 40, 45, 50 नंबर वालों को, जितनों को भी कॉलेज नहीं मिली थी, वो पैनिक ना हो। सेकंड राउंड में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप कॉलेज भर सकते हो अच्छी, और आपको कॉलेज मिलने की चांसेज हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें कॉलेज मिल जाएगी नहीं मिलेगी। सभी को कॉलेज मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और आपने सभी ने जिस स्टूडेंट को यहाँ पर वो दी जाएगी परमिशन दी जाएगी सेकंड राउंड में, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई थी, फर्स्ट राउंड में जिन जिन स्टूडेंटों ने काउंसलिंग कराई थी उनको सेकंड राउंड के लिए परमिशन दी जाएगी। यानी पहले आपने फर्स्ट राउंड में अगर काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया था तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कोटा में कॉलेज मिल गया था, प्राइवेट कॉलेज कोटा मिल गया था, लेकिन उन्होंने क्या है उसमें रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी, ठीक है ना, यानी एडमिशन नहीं लिया था। तो वो स्टूडेंट क्या है सेकंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, एलिजिबल नहीं है, कहने का मतलब ये आपका। तो आप सेकंड राउंड में जो भी, और जिनको कॉलेज नहीं मिला था ना, जिन स्टूडेंटों को कॉलेज नहीं मिला था वो तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, और उनको कॉलेज मिलेगी 100% कॉलेज मिलेगी, गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट। अब काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर पूरी सीटें फुल हो जाती है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, पूरी सीटें बुक नहीं होती हैं। मैं बता दूं आपको, 25 से 30% सीट खाली रहती हैं आपकी गवर्नमेंट में, ठीक है ना। 25 से 30 सीट तो गवर्नमेंट में खाली रहती हैं कॉलेज में, और आपकी जो सीटें हैं 45% सीट खाली रहती हैं किसमें, प्राइवेट कॉलेजों में तो बहुत सीट खाली रहती हैं, और स्टूडेंटों ने एडमिशन भी नहीं लिया है। तो आपको प्राइवेट सीटों पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जाने की, कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट पर नहीं जाओगे तो प्राइवेट पर जाओगे, ठीक है ना। तो यही है, और आप टेंशन ना लो, आपका जो सेकंड राउंड है वो जल्दी होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने अदर्स फ्रेंड्स में शेयर करें और उनको भी पता चले कि सेकंड राउंड 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।